सरकारी वकील की दलीलों को मत देना। कोर्ट ने यह भी कहा है कि भारत में कोर्ट सबके लिए खुला होगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। दैट्स ऑल योर ऑर्डर। आज के कार्यक्रम के अलबीर फाउंडेशन के इमरान भाई और दोस्तों, आज आपने टॉपिक जो चूज किया है कि पुलिस की ड्यूटीज और राइट्स, एकदम बेहतरीन टॉपिक है जहां पर पुलिस के साथ अपना हमेशा मतलब सबका कभी ना कभी तो पाला पड़ता ही है, क्योंकि कभी ना कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है या पुलिस को अपने पास आना पड़ता है। किसी वजह से कुछ भी घटना घटी तो पुलिस को अपने पास आना ही पड़ता है और अपने को भी पुलिस के पास जाना पड़ता है। मतलब पब्लिक और पुलिस, इनका रिलेशन जो ऐसा है एक दूसरे से वो बन नहीं पाता, मतलब बनेगा ही, उनके सिवा काम होगा ही नहीं। पब्लिक के सिवा पुलिस का काम नहीं होगा और पुलिस के सिवा पब्लिक का काम नहीं होगा। अभी यहाँ पर पुलिस को जो डिस्क्राइब किया है कानूनन, जो पुलिस अधिनियम 1951 के तहत पुलिस को कानूनन उनके ड्यूटीज़ और उनके राइट्स उनको प्रिस्क्राइब किया है। वो जो विधिमंडल में मतलब गवर्नमेंट में वो सैंक्शन होके वो जो रूल प्रिस्क्राइब किया है उस रूल के तहत उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं और उनको ड्यूटीज़ भी दिए हैं। और वो ड्यूटीज़ क्या है और अधिकार उनके क्या हैं, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करने के लिए जमा हुए हैं। तो पहला तो उनके जो उनके पुलिस की मशीनरी जो है, वो मशीनरी को अगर देखा जाए तो पुलिस के जो रैंक होती है तो उसमें वो पुलिस कांस्टेबल, पुलिस नाइक, पुलिस हवलदार, ASI, PSI, API, PI, ACP, डेपुटी पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर, उसके बावजूद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह वो भी पोस्ट है। ऐसा उनका एक रैंक है, खुद का एक सिस्टम है जो बनाया गया है और पब्लिक के हेल्प के लिए और जो भी कानूनन कायदा सुव्यवस्था रखने के लिए उन्होंने ये सब बनाए हैं। पुलिस स्टेशन वो आम आदमी के लिए वहाँ जाना है तो अगर पुलिस की ड्यूटीज़ के तहत अगर अपन विचार करें तो पुलिस की ड्यूटीज़ क्या है, क्योंकि आम आदमी को तो वो जानकारी ज़्यादातर होती नहीं, क्योंकि वो जानना भी नहीं चाहते, मतलब कौन पुलिस के झमेले में पड़ेगा। इसके लिए हमेशा आदमी अवेयरनेस कम रखता है और ये जो अलबीर फाउंडेशन काम करती है तो बेहतरीन काम है, जिसके तहत कम से कम आपको नॉलेज, लॉ का जो नॉलेज है, प्राइमा फेसिस नॉलेज तो हर एक इंसान को होना चाहिए, ऐसा मेरा भी खुद का कहना है। क्योंकि हर एक आदमी को अपने तो पुलिस के प्रति क्या ड्यूटीज़ है और क्या राइट्स है या अपने राइट्स क्या है, अपने को अगर कुछ प्रॉब्लम में अपन आए तो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए और अपन क्या नहीं कर सकते, कि अपन नहीं कुछ करने चाहिए और पुलिस को कैसे हेल्प करनी चाहिए, पुलिस अपने को किस तरह से हेल्प करेगी, इसके बारे में आज अपन थोड़ा बहस करेंगे। इसके लिए अपन जमा हो गया। पुलिस के जो कर्तव्य ड्यूटीज़ है उसके बारे में अगर ये किया, अभी सड़क पर कोई भी इंसान, वो पागल इंसान है या शराब पिया हुआ इंसान है और भटक रहा है, राह चलना है उसका, राह नहीं मिल रही है, तो पुलिस को अगर पता चला कि भाई ये इंसान है ये भटक रहा है इधर उधर, तो पुलिस का ये भी एक कर्तव्य है कि उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए, क्या है भाई, कहाँ रहता तू, क्या किया, क्या हो गया, क्यों इधर उधर भटक रहा है, तो उसको ला के पुलिस स्टेशन पर इससे इंक्वायरी करके उसको प्रॉपर प्लेस पर पहुँचाना चाहिए। ये भी उनका कर्तव्य ड्यूटी के तहत जो पुलिस अधिनियम 1951 में डिस्क्राइब किया हुआ कानून रूल है जो 66 के तहत, उसका एक ये भी कर्तव्य है कि जो भी आदमी रास्ते में भटक रहा है उसको, अगर उसको राह नहीं मिल रही है, उसको कुछ शराब बिराब पिया है, गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो पुलिस का फ़र्ज़ है कि उसको पूछताछ करके पुलिस स्टेशन में ला के उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना, पुलिस की ये भी एक ड्यूटी है। अगर इनकेस अगर कुछ ऐसा वाक्या हुआ कि किसी को कुछ वजह से अरेस्ट किया गया पुलिस ने, तो पुलिस ने अरेस्ट किया तो बीमार है वो पर्सन, तो उसको फर्स्ट एड, उसको दवा पानी देना, वो भी पुलिस का पहला सेकंड कर्तव्य है कि उसको दवा दारू दिया जाए, उसका देखभाल किया जाए। अगर वो पुलिस के कस्टडी में है तो उसको खाना पीना देना, ये भी पुलिस की एक ड्यूटी है कि उसका ये भी ड्यूटी है कि उसको खाना पीना दिया जाए। ऐसा नहीं कि भाई उसको पकड़ लिया है, किस गुने के वजह से अंदर डाला है तो उसको खाना पीना ही देना, भूखे रखने का उसको पनिश, ये नहीं होता। कानूनन उनको वो जो कर्तव्य है उनका कि उनको खाना पीना वगैरह उसका देना चाहिए, उसको सही मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर किस वजह से
पुलिस किसी के घर की झड़ती लेती है तो वो उसको सर्च बोलते हैं, तो वो सर्च लेने के लिए पुलिस जब जाती है तो पुलिस का ये भी कर्तव्य है कि खुद की आइडेंटिफिकेशन देना कि हम लोग पुलिस वाले हैं भाई, हमको आपका घर का सर्च लेना है क्योंकि हम ऐसे ऐसे गुने के तहत आपका सर्च लेना चाहते हैं घर का। तो उस सर्च के दौरान पुलिस अपना भी सर्च दे कि भाई मेरे पास देखो कुछ है नहीं, मैं ऐसा ही आया हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ और मेरे को ये सर्च लेना है क्योंकि ऐसा ऐसा गुना हो गया है और ये गुने के तहत हमारे को ये सर्च लेना है कि तलाशी करनी है। तो ये भी पुलिस का एक कर्तव्य है। अभी जो लेडीज़ लोग हैं या बच्चे हैं छोटे, उनके पास तमीज़ से बात करना है, उनके ऐसा बेतमीज़ से बात नहीं करना है, उनको अच्छी तरह से पेश करना, ये भी पुलिस के अधिनियम में डिस्क्राइब किया हुआ एक कर्तव्य है पुलिस का। दूसरा, अगर कुछ किस वजह से फायर मतलब आग वगैरह लग जाती है तो पुलिस का ये भी कर्तव्य है कि वहाँ पर जाके वो आग को काबू में लाना, उसको कैसा मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा देश का या वो लोगों का नुकसान नहीं होना ये देखना, ये भी पुलिस का एक कर्तव्य है। वो भी 66 के तहत जो नियम बनाए हैं उसके तहत वो उसका कर्तव्य। दूसरा, अभी कुछ अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है भाई देखो फलाने फलाने रोड पे ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, किसी को गाड़ी ने ठोक दिया या कुछ हो गया, तो वो भी पुलिस का एक कर्तव्य है कि आप जाके उस आदमी को क्या हुआ क्या नहीं देखो, उसको दवा पानी देने का वो भी उसको पुलिस को एक कर्तव्य के तहत पर ड्यूटी के तहत पर उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ एक कर्तव्य है जो नियम ने उन गवर्नमेंट ने मतलब अधिनियम बना के उसको वो ड्यूटी दी हुई है जो उसको करना ही पड़ता। अभी पुलिस का ये भी ऐसे कर्तव्य है कि अगर किसी भी कोर्ट से कुछ भी भाई समन्स आया है उनको कि भाई ये फलाना फलाना आदमी है इसको कोर्ट में हाजिर करने का है तो ये समन्स उसको बजाओ, तो पुलिस का ये भी कर्तव्य है कि वो जाके उसको समन्स बजाए, उसको ढूंढ के निकाले, उसका घर ढूंढे, उसके घर पे जाके उसको समन सर्व करे, समन सर्व करके उसका रिपोर्ट कोर्ट को प्रोड्यूस करे। ये भी पुलिस का एक कर्तव्य ही है कि ये बजाओ नहीं, उसमें वारंट का अगर होगा समन्स के बारे में नहीं वारंट है तो वारंट में भी उसको अरेस्ट करना या जमानत वाला मतलब जामीन वाला गुनाह हुआ है तो उसको वहीं पर टेबल जामीन देना है, उसको समझ देनी है कि कोर्ट में हाजिर हो जा, उसको वारंट बजाना है और वो भी रिपोर्ट कोर्ट को देनी है। ये भी पुलिस का एक कर्तव्य के तहत 66 के तहत ही उसको एक कर्तव्य दिया हुआ है। और जो भी गुनाह हो गया कहीं भी उनके एरिया में तो उसकी इतला उसके जो ऊपर के ऑफिसर है उनको देनी ज़रूरी रहती है। ये भी कानून के तहत उनको प्रिस्क्राइब का एक कर्तव्य ड्यूटीज़ है कि भाई आपको जो भी एरिया में गुनाह हो गया तो उसके हेडक्वार्टर को उसको इन्फॉर्म करो भाई ऐसे इधर ऐसा ऐसा हो गया, ये वाकयात हो चुकी है, उसकी तलाशी करना तो वो है ही मतलब उसकी जांच करना है भाई ये कैसा वाक्य हुआ क्यों हुआ किसने किया क्या, वो सब उनके कर्तव्य का ही भाग रहता है। लेकिन अगर कुछ हुआ है तो वो एरिया में जो भी हुआ है उसको हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना है कि भाई ऐसा ऐसा मेरे एरिया में आज ऐसा ऐसा वाक्य हो गया, ये भी उनका कर्तव्य के तहत भी एक बात है। अब ये कर्तव्य के बारे में अपन बात कर रहे थे, वो कर्तव्य में अगर पुलिस वाले ने अपने कर्तव्य में से कसूर किया या समझो उन्होंने अपना मतलब जानबूझ के दुर्लक्ष्य किया भाई नहीं, उसके कर्तव्य में पुलिस वालों का यह भी कर्तव्य है कि किसी आदमी को अरेस्ट किया तो जो DK बसु का लैंडमार्क जजमेंट है वो अभी हर एक पुलिस स्टेशन के बाहर डिस्क्राइब किया हुआ है। ये जजमेंट क्यों डिस्क्राइब किया हुआ है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि भाई ये डिस्क्राइब करने की, क्योंकि आम आदमी को अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो कि पुलिस स्टेशन में मैं जाता हूँ तो मुझे किस तरह से उन्होंने पेश करना चाहिए कि या मुझे क्या उन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, या मैं कुछ बात पूछने के लिए तो ही नहीं, क्योंकि पुलिस बोलेंगे तो अपने पास मतलब आदर युक्त भीति मतलब मीन्स अपने पुलिस के प्रति अपने को आदर है लेकिन उससे डर भी है कि भाई पुलिस मैं जाऊंगा तो कुछ करेगी क्या, मुझे तकलीफ तो नहीं देगी, मेरे को किधर फंसाएगी तो नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस और जनता का रिलेशन जो है एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता और ये रिलेशन होने के वजह से ही कानून व्यवस्था चलती है। अगर वाकया को हो जाए तो पुलिस को भी ज़रूरत पड़ती है कि किसी से पूछताछ करनी या पंच रखने हैं या कुछ, अभी पंच के लिए तो दो आदमी लेने पड़ते हैं उनको उसी टाइम जो पंचनामा करते हैं जो कुछ करेंगे कानून कार्रवाई, तो उसके लिए तो आम आदमी की ज़रूरत होती है। और कुछ वाक्या हो गया जिसने भी दिखा है तो आई विटनेस ये हो तो सब जगह पुलिस और जनता उनके रिलेशंस के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इसीलिए पुलिस को मतलब
जो भी अधिकार दिए है वो जनता के संरक्षण के लिए दिए है, कानून की व्यवस्था के लिए दिए है, और कानून से जनता में कुछ भी गड़बड़ी न हो या कुछ दंगे फसाद न हो या शांतता से सब व्यवस्था अच्छी तरह से चले, इसको लेकर ही ये सब फार्मूले बनाए हैं, कानून बना है, जिसका पुलिस या जनता दोनों ने आदर करके अपना काम चलाना चाहिए। लेकिन अपना आज पुलिस के कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में अगर कर्तव्य में उन्होंने भी कसूर की तो उनकी भी डिपार्टमेंट इंक्वायरी लगती है, उनसे बड़े ऑफिसर होते हैं वो उनकी इंक्वायरी लेते हैं, उसके तहत उनको पनिशमेंट भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस है उनके हाथ में कानून व्यवस्था है इसका मतलब उनको पनिशमेंट ही नहीं होगी या उनको कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानून सबको बराबर है, पुलिस को भी और जनता को भी, दोनों को कानून के तहत जाना है। तो किसी ने भी कुछ भी गलती की तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है, ये तो लॉ ने डिस्क्राइब किया है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु केस में जो गाइडलाइन दी है पुलिस को कि भाई कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन में आए तो पुलिस स्टेशन में आए कुछ अपनी तकलीफ लेके आया है तो उस तकलीफ को लेके आप उसको समझो, भले वो आपके पुलिस स्टेशन का मामला नहीं हो फिर भी आप उसको दर्ज करो, क्या है क्या नहीं कहना उसका ले लो, उसकी राइटिंग में कंप्लेंट ले लो, और बाद में आप वो जिसके तहत जो इंक्वायरी करना चाहिए जो एरिया में वो कंप्लेंट है आप वहाँ भेज सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहला उसको इंटरटेन करो, ऐसा नहीं कि भाई वो आदमी है उसको भगा डालो चलो भाई जा इधर नहीं कुछ होने वाला, ऐसा नहीं। पुलिस को ये भी डायरेक्शन डीके बसु केस में बहुत सारे मतलब 10 गाइडलाइन उन्होंने दिए हुए, जो डीके बसु जस्टिस है उन्होंने वो सब गाइडलाइन दिए हुए कि पुलिस ने हर एक नागरिक के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और अधिकार की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए, और पुलिस को भी अधिकार दिए है कि जो भी समन्स केस है या समरी केस है या वारंट ट्रायबल मैटर्स है, जहाँ पर अगर वारंट ट्रायबल मैटर्स है इसका मतलब सीरियस ऑफेंस है, तो अभी सीरियस ऑफेंस में पुलिस फ़ौरन जाके उसको अरेस्ट कर सकती है, उनको कोई ऐसे कोर्ट के बाबा आदेश की राह देखो और बाद में उसको आराम से अरेस्ट करो, ऐसा होता नहीं। वो तो सब वारंट केसेस है, सीरियस मैटर है तो उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ऐसा उनको भी अधिकार दिया हुआ है कानूनन तहत अधिकार दिया। अभी समन्स ट्रायबल है उसमें कोई ज़रूरत नहीं कि अरेस्ट करने की, मतलब जिसका पनिशमेंट ही 2 साल के बिलो दी 2 ईयर्स है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको पुलिस अपने उसका क्लेम अगर रखा है उसके ऊपर फिर भी पुलिस स्टेशन में उसको इंक्वायरी करके पीआर बॉन्ड के तहत या इंडिविटी बॉन्ड के तहत उसको छोड़ सकती है। यह भी कानूनी व्यवस्था की है जिसके यहाँ पर 2 साल के अंदर जो शिक्षा है वहाँ पर उसको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर समरी ट्रायबल है तो ऐसा ही कोई झगड़े होते हैं छोटे मोटे झगड़े होकर वो लोग आपस में बात करते वो गुस्सा बढ़ जाता है, उसमें झगड़े होते हैं। अभी वो झगड़े का पर्यावसन बड़ा होना हो इसके लिए पुलिस उसमें इंटरफेयर करती है और इंटरफेयर करके पुलिस स्टेशन लाती है। लेकिन ऐसे मामले हैं जहाँ पर पनिशमेंट ही कम है तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसको अरेस्ट किया जाए उसको कोर्ट में खड़ा किया जाए, ऐसी कोई बात है नहीं। उसमें पुलिस अपने पावर के तहत अपने अधिकार के तहत वो उसको समझ दे के भाई जा वापस ऐसा नहीं करना, नहीं तो उसको थोड़ा सा डरा डमका के उसको छोड़ सकती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कि अरेस्ट किया जाए क्योंकि संगीनन गुना है ही नहीं, उसको पनिशमेंट ही ज़्यादा नहीं है। जो समरी ट्रायबल बोलते हैं अपने पड़ोसन से कुछ झगड़ा हो गया भाई इधर उधर कुछ थूका ये किया, ऐसे छोटे मोटे जो मामले हैं उसमें भी पुलिस को हमेशा इंटरफेयर करना पड़ता है। जो समरी ट्रायबल मैटर रहती है, समन्स ट्रायबल मैटर रहती है और अपना वारंट ट्रायबल मैटर, वारंट ट्रायबल मैटर तो सीरियस रहता है वहाँ पर पुलिस को ये कहते। अभी जो छोटे मोटे मामले हैं तो अपन सोचेंगे भाई पुलिस वाले क्यों अरेस्ट करते हैं क्या कर इसको, लेकिन क्या है पुलिस के सामने अगर कुछ भी वाक्या हो रहा है या पुलिस देख रहे भाई मेरे सामने ये दोनों जन मस्ती कर रहे मारा मारी कर रहे तो इसमें पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है क्योंकि उनके अधिकार के तहत, क्योंकि उन्होंने उनको कानून अधिकार क्या दिया हुआ है कि भाई तुम्हारे सामने ऐसे लॉ व्यवस्था का कोई भी ये नहीं हो तो तुम फौरन इसमें इंटरफेयर करो, तो इसमें वो इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन कानूनन वो फिर उसको वो जो भी है वो कानून के तहत प्रिस्क्राइब किया है उसके तहत वो लोग उसको फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई उसको जबरदस्ती का कुछ तकलीफ देना है या कुछ करना है तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कानून तो लॉ तो डिस्क्राइब है
तो ये गुनाह उसमें है ही नहीं, बैठता नहीं है ना, नॉर्मल झगड़ा हुआ था तो ये झगड़े के वजह से उसको पकड़ लिया वहाँ पर और अभी पुलिस स्टेशन में लाए, तो उसको समझ में मत देके वो लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो पुलिस हमेशा अपना दोष जमाती है जनता के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन पुलिस ने अपना दोष, क्योंकि अपना अभी पुलिस का डर जब तक पैदा लोगों के ऊपर नहीं रहेगा, तो पुलिस का डर नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा पुलिस का अपना खुद का फॉर्मूला है। तो वो समझते कि नहीं, लेकिन कानूनन ने डिस्क्राइब किया है पुलिस ये संरक्षण के लिए, हर एक आदमी का, हर एक लॉ व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, हर एक आदमी का रक्षा करने के लिए, और उसके तहत उनको बहुत सारे अधिकार और कर्तव्य दिए हुए। अभी जो पुलिस को अधिकार के तहत अगर अपन बात करने जाएंगे, तो पुलिस को जो कायदा सुव्यवस्था रखने के लिए एक ट्रैफिक का जो रूल्स है वो बनाने का उनको खुद को अधिनियम के तहत पावर्स दिया हुआ है। वो खुद अपने नियम बना सकते हैं, भाई चलो यहाँ से रास्ता आज बंद करना है, कुछ प्रॉब्लम है भाई, दूसरी जगह से हम लोग ट्रैफिक के लिए अलाउ कर सकते हैं, या कुछ रास्ता रोकते हैं। अपन बहुत सारे जन देखते हैं यहाँ वहाँ जाते हैं तो रास्ता रोका रहता है, पुलिस लोगों का सर्च रहता है, तो वो अपन परेशान होते हैं, ये क्या है बीच में ही रास्ते में ये आज बंद करके रोड रख दिया, वैसे ही पहले ही ट्रैफिक और ऊपर से ये लोग सर्च रहे। लेकिन इनको ये अधिकार है कि वो लोग सर्च कर सकते, कानूनन उनको अधिकार दिया हुआ है, इसके लिए लोग अपने मतलब पुलिस वाले वो सर्च ले सकते हैं, ऐसा कानूनन उनको अधिकार है। या वाहतूक की ट्रैफिक चेंज करना है या किधर बदली करना है, कुछ मोर्चा है या कुछ भी है, तो उस वजह से उनको लगा भाई ये रोड आज बंद करना है, ये रोड से ट्रैफिक हटाना है, यहाँ से जाने दो, तो वो लोग वो अपने तरीके से वो बंद कर देते वो रोड को और डिस्क्राइब करते पब्लिक को, भाई ये रोड आज बंद है, यहाँ पर मोर्चा आने वाला है या कुछ जुलूस निकलने वाला है, तो हम लोग यहाँ से नहीं वहाँ से लोगों को जाना चाहिए गाड़ी, तो लोग ये खुद वो लोग कानून डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी जो भी दखल पत्र, मतलब कॉन्जिजेबल और नॉन कॉन्जिजेबल, मतलब दखल पात्र और अदखल पात्र गुना, ये जो दखल पात्र गुने रहते हैं ये सीरियस ऑफेंस होते हैं, उसमें मतलब अगर देखे जाए तो अपना 302, 307 ऐसे मतलब खून या मारामारी, बलात्कार, ऐसे बड़े बड़े जो संगीन गुनहे रहते हैं, बस चोरी हो गई, बड़ी चोरी, घरफोड़ी, ऐसे बहुत सारे गुनहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व है, जो उसमें वारंट के तहत उनको अरेस्ट, दखल पात्र मतलब वारंट भी ना, मतलब वारंट अगर कोर्ट का नहीं भी है तो वो लोग अरेस्ट कर सकते, क्योंकि उसमें उनको अधिकार दिया हुआ है कानून ने, जो अधिनियम 1951 में कानूनन अधिकार दिया हुआ है कि भाई उसको फौरन अरेस्ट करो। वो अरेस्ट करने का इसलिए है कि भाई अगर नहीं अरेस्ट करता तो आदमी वो वहाँ से निकल जाएगा, कि फिर अपने को उसको ढूंढना पड़ेगा, ये वो परेशानी है, उससे ज़्यादा बकेड़ा खड़ा हो सकता है, इसके लिए पुलिस उसको फौरन जाके अरेस्ट करती है, या उसके सामने, पुलिस के सामने अगर कोई भी गुनाह हो रहा है तो अगर गुनाह कम भी स्वरूप का है, तीव्र नहीं है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसको पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि उनको कायदा सुव्यवस्था रखने के अधिकार दिए हुए हैं, जो कानूनन तहत अधिकार दिए हुए हैं उस तहत उनको वहाँ पर शांति रखने के लिए, समाज व्यवस्था रखने के लिए उनको ज़रूरी पड़ता है कि इंटरफेयर हो जाए। तो वहाँ पर अगर वो दखल पात्र है और ना दखल पात्र भी है, मतलब कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, उनको उनको इंटरफेयर करने के अधिकार उनको दिए हुए हैं। अगर दखल पात्र बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस को ये भी अधिकार है कि वो आदमी को पुलिस स्टेशन में लाओ, पीआर बॉन्ड ले लो और उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको जबरदस्ती रखने के कोई, क्योंकि वो गुनाह ही जामीन पत्र है, मतलब उसको बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस में उसको जबरदस्ती तुम अरेस्ट करके रखोगे या कोर्ट में लेके जाओगे, ये तो गलत है ना, क्योंकि कानूनन ही ऐसा कहता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो बेलेबल ऑफेंस में तो उसको वहीं पर टेबल जामीन देने के अधिकार भी पुलिस को है, जो पुलिस खुद उसको टेबल जामीन वहाँ पर दे सकती है, क्योंकि उसको उन्होंने अधिकार प्रिस्क्राइब किया है, जो तहत वो लोग उन पीआर बॉन्ड लेते हैं या कुछ 5,000 का, बाबा जमीन दे दो और क्या कैश बेल भरो और आप जा सकते हो। जो संगीन गुनाह नहीं है, समन्स ट्रायबल है, समरी ट्रायबल है, उसमें ये सब होता है, लेकिन जो वारंट ट्रायबल मैटर है, सीरियस गुने, वहाँ पर वो खुद जामीन नहीं दे सकते, उनको कोर्ट में ही जाना पड़ता है और कोर्ट में जाके ही उससे तहत उसको बेल अर्जी करके बेल लेके ही करना पड़ता है, क्योंकि पुलिस को वो अधिकार है ही नहीं। लेकिन पुलिस को ये अधिकार है कि जामीन के तहत जो गुने हैं
उसमें पुलिस बेल दे सकती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने उनको कोर्ट में ही फॉरवर्ड करना है और कोर्ट में ही आदमी को परेशान करके भेजना है, बस जा उधर से जमानत लेके आ, यहाँ तो होने वाला नहीं, ऐसा नहीं होता, उनको वो देना पड़ता है और देना चाहिए भी कानून के तहत। अभी पुलिस को ये भी अधिकार है कि जो आदमी समाज व्यवस्था के लिए भाई बराबर नहीं, जिससे बखेड़े खड़े हो गए, कुछ व्यवस्था है, अभी कुछ भी कार्यक्रम रहता है या कुछ फेस्टिवल रहता है तो वहाँ पर कुछ आदमी के ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई की जाती है कि यहाँ से ये एरिया से इनको हटा दो। ये भी पुलिस के जो अधिकार के तहत ही है कि उनको लोग तड़ीपार की कार्रवाई कर सकते हैं। वहाँ पर वो पुलिस वाले मतलब ऊपर हायर रैंक के जो एसीपी वगैरह लगते हैं वो ऑर्डर्स इशू करते हैं और वहाँ पर वो आदमी को महीने दो महीने के लिए उसको तड़ीपार करते या साल भर के लिए कि एरिया में मत आ जाओ। उसका भी ये जो है करने का कारण वही रहता है कि भाई ये व्यवस्था न खराब हो, इसके वजह से समाज व्यवस्था न खराब हो, झगड़े होना हो, लोगों में कुछ बखेड़ा ना खड़ा हो या कुछ कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें व्यत्यय निर्माण ना हो, ये भी उसमें उनका है। तो ये भी उनको अधिकार ही दिया हुआ है कानून के तहत, इसीलिए वो लोग अपने अधिकार का यूज़ करके वो लोग वो सब करते हैं। अगर ऐसा मामूली सा कुछ घटना घटी है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पुलिस ने लेके जाना है और उसके ऊपर ज़बरदस्ती का कुछ, ये तो पुलिस को अधिकार नहीं है। मामूली घटना है जिससे समरी ट्रायबल है तो उसमें उसको पुलिस ने पुलिस स्टेशन में बुला के उनको अधिकार है, लेकिन अगर उसको लेके भी गए तो उसको खाली समझ में दे के उसको छोड़ देना चाहिए। ये भी पुलिस का वो खुद का ही एक अधिकार के तहत ही काम है और उसको छोड़ना भी अधिकार के तहत ही का काम है, क्योंकि वो तो ये नहीं है कि भाई संगीन गुनाह है, छोटा सा गुनाह हो गया उसको तो समझ दे दिए, अभी दोबारा ये आदमी नहीं कर सकता, क्रिमिनल एंटी इंसिडेंट कुछ है ही नहीं, रिकॉर्ड अच्छा है, उसको जबरदस्ती का पुलिस वालों ने भी हरेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस ने किसी आदमी के ऊपर अरेस्ट करने आए है या किस बात से पुलिस अपने घर पर आई है और पूछ रही है कि भाई चलो आप चलो हमको इंक्वायरी करनी है, तो अभी उस तरह तो पब्लिक जो भी है उनका भी फर्ज बनता है कि उनको कोऑपरेट करे। अगर पुलिस को कोऑपरेट वहाँ पर वो नहीं कर रही है तो पुलिस को एक अधिकार ऐसा दिया है कि भाई आप उनको अरेस्ट कर सकते हो और पुलिस स्टेशन ले जा सकते हो और पुलिस स्टेशन लेके उससे पूछताछ करके छोड़ सकते हो। लेकिन पुलिस अगर क्योंकि पुलिस को विरोध कर रहा है, वो आ नहीं रहा और पुलिस को ज़रूरत है उसकी कि उसको इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को वो चाहिए आदमी, तो आदमी अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको तो पुलिस के साथ मतलब पुलिस को वो भी पावर से कि वहाँ पर अरेस्ट करके उसको पुलिस स्टेशन लेके जाए, उससे बातचीत करे, बाद में अगर उनको लगा तो नहीं तो छोड़ सकते हो, वो भी एक अधिकार का उनका अधिकार ही है। बाद में पुलिस का एक भी ये अधिकार है कि किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट किया पुलिस ने तो 24 घंटे 24 आवर्स के पहले उन्होंने जिस लोकेलिटी में अरेस्ट किया है वहाँ पर जो भी मैजिस्ट्रेट का कोर्ट है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए उसको, वो गुना जो भी होए, जो भी आपका ब्लेम है वो सब बाद में देखा जाएगा, पहला उसको वहाँ पर खड़ा करना, रिमांड बोलते हैं, तो रिमांड के तहत उसको खड़ा करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर पुलिस को वो भी एक कर्तव्य और अधिकार के तहत ही एक दिया हुआ है कानूनन कि उसको 24 आवर्स के पहले उनको वहाँ पर प्रोड्यूस करो। और लीगल एड अगर उधर उसको पकड़ लिया, किसी को भी इंसान को अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उनका भी वो डीके बसु के जजमेंट में प्रिस्क्राइब हुआ एक कंडीशन, ऐसे दो चार कंडीशन है कि अगर अरेस्ट किया तो किस वजह से अरेस्ट किया उसकी जानकारी उसको और उसके फैमिली को दी फौरन बुला के देनी चाहिए, उसके फैमिली के आदमी को सामने रख के ही उसका जो भी है पंचनामा, अरेस्ट पंचनामा है वो बनाना चाहिए। अगर फैमिली के तहत उसका अगर वो चाहे कि मुझे मेरा लॉयर सामने रखना है, मेरा लॉयर के सामने आप ये सब करो जो भी कर रहे हैं, तो उसके लॉयर को भी परमिशन है कि उसके लॉयर को भी सामने रख के वो जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई करनी है और जो भी उनको पुलिस का कहना है वो कर सकती है, क्योंकि पुलिस को वो भी डिस्क्राइब किया है और ये पुलिस को ये भी किया है कि अगर किसी इंसान को पकड़ लिया तो उसको मेडिकल करनी चाहिए, उसको खाना देना चाहिए, मेडिकल भी करनी चाहिए और मेडिकल करके ही उसको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए और बाद में जो भी है वो पुलिस की इंक्वायरी चालू है उसके बारे में उसको, और उसको लॉयर अगर उसको चाहता है कि मेरे लॉयर को से मेरे को कंसल्ट करना है या कहे तो उसको लॉयर को लाना चाहिए, उसका पंचनामा बनाना चाहिए, जो भी उसके ऊपर एफआईआर है उसकी जानकारी उसको देना चाहिए, पंचनामा बनाना चाहिए, पंचनामा की दस्तखत लेनी चाहिए, उसकी कॉपी देनी चाहिए,
ये सब लॉ ने प्रिस्क्राइब किए हुए पुलिस के कर्तव्य है और राइट्स भी हैं। अभी पुलिस वाले वारंट के शिवा, मतलब वारंट के वजह नहीं है वारंट, फिर भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो दखल पात्र कॉन्जिजिबल ऑफेंस में तो हमेशा पुलिस अरेस्ट करे। अभी बड़े बड़े जो ऑफेंस है उसमें पुलिस वाले कुछ वारंट देखते बैठे कि कोर्ट का वारंट आना चाहिए, बाद में हम लोग अरेस्ट करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। वहाँ पर तो पुलिस वाले खुद अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कानूनन उनको ये दिया है। पुलिस के सामने अगर कुछ होता है, पुलिस के सामने अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, खड़ा होता है, झगड़ा होता है, तो वहाँ पर भी वो कुछ देखते नहीं, वहाँ पर भी अरेस्ट करने के पावर्स उनको पुलिस को दिए हुए हैं। अब ये पुलिस का कर्तव्य, अगर पुलिस को पुलिस की ताकीद, मतलब अगर पुलिस इन्फॉर्म कर रही है भाई किसी को, अधिकार के तहत बता रही है भाई ये दोबारा तुम ऐसा मत करो, जाओ चलो अभी छोड़ दिया तुमको, तो वापस अगर वही सेम तरीके से सिमिलर अगर कुछ ऑफेंस होता है या सिमिलर घटना घटती है तो पुलिस को वो भी पावर्स दिए हुए हैं कि उसको फिर उसके तहत अरेस्ट किया जाए, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाए, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, बाद में वो जो कोर्ट की जो प्रोसीजर है उस तरीके से उसको ये किया जाए। ये सब पुलिस वालों को अधिकार दिया हुआ है। पुलिस वालों को ये भी जो अर्जेंट, मतलब इमरजेंसी अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसमें पुलिस वालों को वो भी ड्यूटीज दी हुई है कि जो भी गवर्नमेंट ने घोषित किया हुआ जो काफी जो जमावबंदी ये वो ऐसे तरीके जब होते हैं तब वो जमावबंदी में अगर लोग है मालूम, मतलब डिस्क्राइब किया है पब्लिक को अनाउंस करते अभी वो कि भाई जमावबंदी है, कोई बाहर घूमना नहीं है नहीं, या कर्फ्यू लगता है कभी किसी एरिया में, कर्फ्यू लगाया जाता है, वहाँ भी जनता को अगर उस कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे या जनता अपने मॉब की तहत, जमावबंदी का आदेश है 5 लोग के ऊपर ज़्यादा लोग बाहर नहीं आना है यानी, तो उस आदेश का अगर पुलिस का उल्लंघन होता है तो पुलिस को वो भी अरेस्ट करने के परमिशन है उनको, क्योंकि वो लोग इंक्वायरी के लिए पुलिस उसको भी अरेस्ट कर सकती है, वो निकट ही मतलब गरज है उस टाइम में वो सब करना पड़ता है। अभी पुलिस ने अगर महिला आरोपी है या महिला विटनेस है तो उसकी भी जाँच पूछ करने के लिए उसको जो टाइम प्रिस्क्राइब किया है वो डीके बसु ने जजमेंट में वो टाइम प्रिस्क्राइब किया है, उसको रात में उसको बुलाना नहीं है, उसको दिन में इसकी इंक्वायरी की जाए और दिन में उसका क्या जो एविडेंस वगैरह है वो सब दिन में ही किया जाए, उसको रात के टाइम समय उसको बुलाना नहीं या रात के समय उसके घर पर जाना नहीं और इंक्वायरी करना नहीं। वो लेडीज़ के बारे में ये प्रिस्क्राइब किया हुआ डीके बसु का लैंडमार्क जजमेंट में ये जो कंडीशंस है ये सब उसमें प्रिस्क्राइब किए हुए कंडीशन है। अभी लेडीज़ का अगर आरोपी है, लेडीज़ का स्टेटमेंट लेना है तो वहाँ पर लेडीज़ ही पुलिस हो, लेडीज़ पुलिस ही उसका स्टेटमेंट ले, या लेडीज़ पुलिस ही उसको अरेस्ट करे, या लेडीज़ पुलिस ही उसको लेके जाए, ये सब डिस्क्राइब किया हुआ जजमेंट में डीके बसु में वो सब गाइडलाइन दिए हुए हैं। यानी अभी आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको वो जो गाइडलाइंस है डीके बसु के आपको वहाँ पर प्रिस्क्राइब किया होगा, क्योंकि उनको भी बाइंड किया हुआ है कि आप ये आम जनता के मालूमात के लिए आप सब वो डिस्क्राइब करो पुलिस स्टेशन के बाहर, कि लोगों को पता चले कि अपना क्या ड्यूटीज है, अपने पुलिस के पास अपना काम है। अभी अपन जा रहे हैं तो वो पुलिस ने वहाँ पर, मैं बांद्रा में खेरवाड़ी में रहता था पहले, तो वहाँ पर बाहर ही उनका प्रिस्क्राइब किया हुआ बोर्ड है कि ये ऐसा है, पुलिस के पास जाना है आपको तो ऐसा है, ये वो फलाने फलाने सब पूरे कंडीशन वहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है। पुलिस वाले भी कभी कभी अभी समझो गलती की, अभी जो रिमांड के तहत है 24 आवर्स में वो पुलिस ने उस एरिया के मजिस्ट्रेट के सामने वो आदमी को हाजिर करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाए, किए नहीं, तो उसके लिए पुलिस को भी कानूनन वो व्यवस्था में उनको भी पनिशमेंट है, ताकि वो भी ऐसे दोबारा ऐसी बात न कर पाए, इसके लिए उनको भी इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर भी पनिशमेंट होता है। ऐसी कोई बात नहीं, कायदा कानून के तहत सब लोग समान है और पुलिस वाले भी कानून का एक हिस्सा ही है और अपन पब्लिक, आम पब्लिक भी कानून का एक हिस्सा है। कानून जब बनता है तो उसकी जो चलाने वाले या उसका इस्तेमाल करने वाले ने भी उनका पालन करना वो भी उतना ही ज़रूरी है कि जितना कि पुलिस को जो राइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को भी दिए हुए, कि लोगों ने भी वो सब बातें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब किया है, जो अरेस्ट करने के इसमें गाइडलाइंस दिया है। एनसी नॉर्मल ऑफेंस है, एनसी में एनसी ले ली है, नॉर्मल ऑफेंस है तो उसमें कोई अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो भी समरी ट्रायबल एसीपी के तहत वहाँ पर मैटर चलाई जाती है, वहाँ पर
छोड़ा जाता है, उसको खाली फाइन लिया जाता है, नॉर्मल दंड मतलब फाइन के जो गुने रहते हैं उसमें फाइन लेके छोड़ देना चाहिए, एनसीबीसी के नॉर्मल ऑफेंस है उसको समझ दे के छोड़ देना चाहिए, ऐसे उनको बहुत सारे अधिकार भी दिए हुए और उनका वो कर्तव्य भी है। अभी कोई ऐसे गुना है कि भाई एकदम नॉर्मल गुना है जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, हो गया अभी बाइक चलाते वक्त बाबा पकड़ लिया उसको, हेलमेट नहीं पहना, ये नहीं पहना, अभी ये सब नॉर्मल वह लेन काटी है या ये किया है, छोटा मोटा गुना है, उस गुने में कोई ऐसी ये नहीं है कि भाई पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करके उसको कोर्ट में आना चाहिए। वो अगर फाइन वाइन भर देता है वहाँ पर वो कानून के तहत, तो वो मामला वहीं पर रफा दफा होता है, या तो वो खुद आके कोर्ट में मतलब बाय पोस्ट भी अगर भेजता है कि भाई मुझे गुना कबूल है, आई प्लीड गिल्टी, तो उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई सीरियस ये नहीं है कि भाई उसके ऊपर कार्रवाई करो या कार्रवाई करनी ही चाहिए, ऐसा कोई मामला है नहीं। ये भी पावर्स है उसके तो, अगर कोई इंसान जानवर मतलब कुत्ते ये वो ऐसे सब ये करता है तो उसमें वो अगर उसको तकलीफ देता है, उसको मारपीट करता है जानवर मतलब एनिमल को, तो भी पुलिस को कार्रवाई करने के अधिकार वो दिए हुए हैं कि वो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, भाई ये गलत है, या वो एनिमल के तहत वो रोड में अगर उसको ये कर सकता है मतलब पब्लिक को नुकसान पहुँचाए, तकलीफ पहुँचाता है, या कुछ कुत्ते ये गंदगी फैलाता है, तो उसके तहत भी पुलिस को अधिकार है कि वो कार्रवाई करे और कार्रवाई कर सकती है। अभी पुलिस ने आदेश तो दे दिया भाई ऐसा नहीं, आपको ये करना पड़े, आपको ये पनिशमेंट है, आपने ये कर दिया, लेकिन कभी कभी पुलिस के साथ आम आदमी की बहस हो जाती है, भाई चलो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को क्यों ये कर रहे हैं, मेरे ऐसा वैसा, तो ये अगर ऐसा कुछ मामला उधर वहाँ पर हो गया तो पुलिस को ये भी अधिकार दिया है कि उसको वहाँ पर अरेस्ट करो, उसको पुलिस स्टेशन में लाओ, उससे पूछताछ करो और वो मामला फिर क्या है क्या नहीं देख के रफा दफा करो, उसमें उसको तकलीफ देना या मारपीट करना ये नहीं है, लेकिन उसको समझा बुझा के आप भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको जो ये हो गया है, तो उसको भी अपनी गलती का एहसास हो ताकि वो सब कायदा सुव्यवस्था बनी रहे, कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए ये भी एक अधिकार के तहत उनको दिया हुआ एक कानूनन व्यवस्था है। अभी पुलिस वालों ने, अभी आप हर एक आदमी को, अभी ये अपन पुलिस के कर्तव्य अधिकार के बारे में बात किया कि भाई नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो उसको अरेस्ट करना ही है, अवेलेबल ऑफेंस है तो उसको टेबल जामीन देना चाहिए, ऐसा सब प्रिस्क्राइब किया हुआ लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ पूरा डिस्क्रिप्शन है जो पुलिस के अधिनियम में 1951 में सब वो आपको पता चलेगा। उसके बजाय अभी एक गवर्नमेंट ने आरटीआई आप ही निकला था, वो आरटीआई के तहत लोगों के अपने अधिकार कि भाई उसको पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी पुलिस से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो कुछ पुलिस ऐसा नहीं कर सकते भाई नहीं हम लोग नहीं बताएंगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो क्योंकि आप नागरिक का एक हक बन गया है, पुलिस ने भी नागरिक को कोऑपरेट करना चाहिए। और ये सब करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने मतलब अभी शासन ने एक सिटीजनशिप ऐसा एक डिस्क्राइब किया हुआ है कि सिटीजनशिप मतलब हर एक आदमी को अपने हक के बारे में, मतलब पुलिस क्या करती है, पुलिस के पास क्या है, मतलब कानून व्यवस्था के पुलिस के पास है लेकिन वो कैसे डिस्क्राइब करती है, अगर अपने को कुछ उसमें ये हो गया तो अपन क्या करना चाहिए, इसके बारे में सिटीजनशिप का भी निकली है जो डिस्क्राइब की हुई है, तो आपको उसके तहत उसकी पूरी जानकारी मतलब कौन सा पुलिस स्टेशन है, पुलिस का पुलिस स्टेशन में उसका सब पुलिस स्टेशन कौन सा है, बीट कौन सा है, किधर है, क्या है, एक पुलिस स्टेशन में कितने बीट्स आते हैं, कितने ऑफिसर बैठते हैं, वो पुलिस ऑफिसर का हर एक का काम क्या है, एसीपी का काम क्या है, डीसीपी, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है। उसमें अगर आपको भाई ये जो अभी कंप्लेंट कुछ तो प्रॉब्लम हो गया और आपको लग रहा है कि भाई अपन कंप्लेंट देना है लेकिन कहाँ पर दी जाए कंप्लेंट, तो कौन सी पुलिस स्टेशन में दी जाए, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिटीजनशिप करके एक डिस्क्राइब किया है जो आप ऑनलाइन आप देख सकते हो, तो उसमें वो है कि भाई चलो अभी एक कंप्लेंट किधर ये किया है दर्ज किया जाए, तो उसके लिए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कौन सी भी कंप्लेंट है आपकी आप दर्ज कर सकते हो। ये पुलिस वालों ने
मतलब गवर्नमेंट ने ये रूल बना के डिस्क्राइब किया है कि आप पुलिस जो भी आदमी को जो भी तकलीफ है वो कहीं पर भी जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। वो पुलिस का बात बनती है कि वो कंप्लेंट भाई उनसे रिलेटेड नहीं है, वो दूसरी पुलिस स्टेशन के अंडर रहती है, वो उनका ज्यूरिडिक्शन है, तो वहाँ पर वो लोग फिर फॉरवर्ड कर सकते हैं और ऐसे करते भी है। कोई कोई वाक्य होता है भाई चलो 498 के मैटर्स रहते हैं, एरिया लड़की कौन सी दूसरे एरिया में रहती है वहाँ पर उसको तकलीफ हुई रहती है, लेकिन वो मायके आती है, मायके आने के बाद वहाँ पर दर्ज करती है कंप्लेंट भाई ऐसा ऐसा हुआ मुझे वहाँ पर मारपीट हो रही थी, ये हो रहा था वो हो रहा था, तो वहाँ पर पुलिस वो एरिया में जहाँ वो रहती है वहाँ पर वो लोग कंप्लेंट दर्ज कर ले सकते हैं और वो कंप्लेंट दर्ज करके जवाब लेके वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो पुलिस स्टेशन में भेज सकते हैं जहाँ पर वो वाक्य हुआ था। ऐसी कानूनन व्यवस्था है और पुलिस को वो भी अधिकार है कि भाई ये सब कर सकते हैं। अभी जो दखल पत्र मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके तहत अगर पुलिस ने कंप्लेंट लॉन्च करके ली तो पुलिस ने कंप्लेंट लॉन्च की, उनका वो कर्तव्य है अधिकार के तहत उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करके ली, लेकिन उनका भी फर्ज बनता है कि जो कंप्लेंट लॉन्च करके ली है वो कंप्लेंट की एक कॉपी वो आदमी को दी जाए जो कंप्लेंट के लिए वहाँ पर आया था, तो वो भी उसकी उनकी एक जिम्मेदारी है पुलिस की। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉर्मल ऑफेंस है, उसमें कोई इतना घटना घड़ी नहीं, तो उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के कोई भी राइट्स पुलिस को है नहीं कि भाई गुनाही दखल पात्र नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो उसमें पुलिस वो दुर्गुने में कोई ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। जब कोर्ट से अगर कुछ आए, कोर्ट से अगर आता है कि भाई इसमें आप इंटरफेयर करो, इसमें आप तलाशी करो भाई ये क्या हुआ वाक्य क्यों हुआ, तो ही पुलिस इसमें इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज उनको कोई वो पावर नहीं है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये सब इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे वो कानूनन व्यवस्था अपने को भी उतने राइट्स दिए हुए हैं। अभी पुलिस के पुलिस स्टेशन में जो भी कामकाज मतलब चलता है उनका अपना, तो उसमें अगर कोई भी कंप्लेंट आई है तो इसको इंटरप्रेट करना है, उसके आगे भेजना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी बात ऐसी है कि कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन में जाए तो उसका जो भी कहना है जो भी है उसका, तो वो सुन ले कि भाई क्या बात है तुम्हारी, क्या हो गया क्या नहीं, उसको जो भी हेल्प है मतलब उसको करे, ये उनका कर्तव्य ही है पुलिस का कि भाई उसको हेल्प करे, क्यों आया भाई क्या काम है तेरे को क्या मदद चाहिए, ये सब पुलिस का कर्तव्य है और वो कर्तव्य उनको उनका भी कर्तव्य का एक पार्ट है कि भाई उसमें वो ड्यूटीज है उनकी कि भाई क्यों आए हो क्या है क्या मामला है क्या नहीं, उनको क्या मदद कर सकते या क्या इन्वेस्टिगेशन करते, ये देखना पुलिस का कर्तव्य है। अभी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लिया तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना भी उनका कर्तव्य है कि भाई क्या वाक्य हुआ किधर हुआ क्या नहीं, उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उनको वो पावर्स वो दिए अधिकार भी दिए हुए और उनका कर्तव्य भी है कि जो भी वाक्य हो गया तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो इन्वेस्टिगेशन करके उसका जांच करे, जवाब ले, उसके पंचनामा बनाए, बाद में वो केस दर्ज करे, वो आदमी को जो भी उसमें गुनाह में इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करे, उनको कोर्ट के सामने खड़ा के बाद में उनको कोर्ट में खड़ा करके उनके खिलाफ जो भी साक्षी जवाब मैटर ट्रायल करने का कोर्ट में सब जमा डॉक्यूमेंट जमा करने का मैटर ट्रायल में जो आए वो है उसमें वो सब करना, उनको जो ड्यूटी का भागी है कर्तव्य का भागी है जो वो लोग करते हैं हमेशा, अपन भी देखते हैं इधर जो भी माकिया हुआ अगर किसी का पाला नहीं पड़ा होगा तो उसको मालूम नहीं होगा, लेकिन इन जनरल तो ये सब उनका ड्यूटी का ही भाग है। अभी जो पुलिस स्टेशन में जो भी आदमी आम आदमी जाता है तो उसको उसकी कंप्लेंट दर्ज करे या उसके ये करे उसके लिए वहाँ पर हमेशा ड्यूरिंग 24 आवर्स आदमी बिठा रहता है, पीआई रहता है उनका जो ये करता है मतलब उसको इंटरटेन करना, वो उसका ड्यूटी का भाग ही कर्तव्य है उसका कि वो उसको ये करे। अभी ये सब वाक्य हो गया इसमें अगर अरेस्ट करते हैं पुलिस तो अरेस्ट करने के बाद तो डीके बसु के गाइडलाइंस यूज़ करके उनको वो सब उसी तहत उसको अरेस्ट करना है, अगर उसको ऐसा ही अरेस्ट नहीं कर सकते पुलिस। जामीन पत्र में मैंने आपको बताया कि जमानत अगर देना वाला गुना है बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल तो बेल देने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस का ये भी अधिकार है कि उसको जमानत दी जाए, उसको ज़बरदस्ती घिसट के उसके ऊपर कोई मैटर ठोक के उसको कोर्ट में खड़ा करना ये नहीं कर सकते, वो उनको बेल दे सकते अपने पावर के तहत अगर वो संगीन गुना नहीं है। इसके बारे में भी अपन ने बहस की,
अभी जो सर्च लेते हैं उसके बारे में भी आप उन्होंने बहस की, लेकिन सर्च लेने के टाइम पुलिस वालों ने अपना आइडेंटिफिकेशन भी डिस्क्लोज करना चाहिए। अगर किसी के घर पे जाते हैं तो डिस्क्लोज करना चाहिए, भाई मैं पुलिस वाला हूँ, भाई ये फलाना फलाना ये हूँ, मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, सर्च लेना है, इसके लिए मैं आया हूँ। तो वो आइडेंटिफिकेशन करके दो पंच लेके वहाँ पर सर्च पंचनामा या मेमोरेंडम जो भी है वो बना के वो पुलिस वाले कर सकते हैं। अभी जो भी पंचनामा बनाया वहाँ पर, जो भी वहाँ पर ही जगह पर जो भी पंचनामा बनाया जाता है वहाँ पर उनका पुलिस वालों का कर्तव्य दो पंच खड़े करना है, उनके सामने पंचनामा करना है, जो चीज़ें मिली है वो सब पैक करना है, सील करना है, उसके ऊपर दस्तखत पंचायत के लेने हैं, जो भी जमान उनके, फिर बाद में वहाँ पर राइटिंग में पंचनामा बनाना है कि भाई ये फलाने फलाने आदमी के घर पर आज हम लोग आए, यहाँ पर हमने सर्च लिया, वो सर्च के दौरान हमको ये चीज़ें मिली और ये सब हम लोग अभी जब्त कर रहे हैं, अभी हम लोग कोर्ट में हो, इसके खिलाफ़ जो भी आदमी है उसके खिलाफ़ हम लोग ये प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर करनी चाहिए और वो सब पुलिस का ही वो ड्यूटी कर्तव्य का ही एक भाग है और उनका अधिकार भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अभी आजकल के तारीख में महिलाओं के ऊपर बहुत सारे जो महिलाओं के खिलाफ मतलब बलात्कार ये वो, तो ये सब ऐसे घटनाएं में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। इसके लिए पुलिस वालों ने भी वहाँ पर, गवर्नमेंट ने भी उस पर पोस्को करके एक कानून लाया है, बाद में फिर कायदा सुव्यवस्था मजबूत करने के लिए महिलाओं के ज़्यादातर भर्ती पुलिस में की गए, जो बड़े बड़े रैंक पे महिलाएँ अभी पुलिस में दिखती है, जो इसका कारण यही है कि महिला और बाल बच्चे जो छोटे बच्चे बच्चे उनके ऊपर जो अत्याचार अन्याय होते हैं उसके रोकथाम हो जाए उनको भी और उनका अधिकार उनको पता चले, तो इसके लिए उनके महिलाएं ज़्यादातर पुलिस में अभी भर्ती है। पुलिस वालों का भी एक कर्तव्य है कि कोई भी महिला अगर उनके पास आती है तो उसको इंटरटेन करे, उससे बातें करे, जो भी वाक्य हो गया उसके बारे में पूछताछ करके अपना कर उसकी जानकारी ले, उससे उसको संभाले, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये नहीं तो रिमांड होम्स है ये हो है, महिलाओं को महिला के अलग से उसको कैद में रखा जाए, पुरुष के कैद में उसको रखना नहीं चाहिए, मतलब जेल में प्रिजन में, तो उसको अलग से रखा जाए, उसकी अलग से व्यवस्था हो, अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसके कानून संगीन कानून है ऐसा देख के उसकी जानकारी और जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। ऐसे कानूनन तहत पुलिस वालों को मतलब महिला पुलिस के ज़रिए उसकी इंक्वायरी की जाए, महिला पुलिस के ज़रिए उसका सब उसको मेडिकल चेकअप ये वो रिमांड में लेके जाना, कोर्ट में लेके जाना है ये वो सब महिला पुलिस के ज़रिए ही किया जाए और महिला ने इंटरटेन करना चाहिए, ऐसा सब कानूनन पुलिस को डिस्क्राइब किया हुआ है, कानूनन ये भी पुलिस को डिस्क्राइब किया हुआ ही बातें हैं। अभी गवर्नमेंट केस बनता है, अगर केस बनाया पुलिस ने किसी के ऊपर क्या बनी तो वो पुलिस वाले ने उसको इतला देनी चाहिए, उसको जो भी बात हो गई है भाई चलो ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर हम लोग ये जो क्रिमिनल केस बनाए हैं तो इसकी जानकारी देके उसको मालूम देके वकील करने की उसको इजाज़त देके वकीलों के सामने उसके फैमिली के सामने सब बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए ताकि ऐसा उसको पता तो चले ऐसा सोए भाई मुझे किस लिए क्यों अरेस्ट किया है क्या किया ये सब बातें जानकारी हो, ये भी पुलिस का एक कर्तव्य है कि भाई उन्होंने जानकारी देनी चाहिए। अभी पुलिस का पुलिस के बारे में अगर पुलिस ये सब बातें करती है तो उसमें उनको आम आदमी की भी हेल्प की मतलब मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आम आदमी जब हेल्प करेगा तो पुलिस को मदद करेगा तो ही पुलिस वो अपना काम कर पाएगी, यदि आम आदमी उसको अपोज करता है तो पुलिस उसना अपना काम भी नहीं कर पाती, और पुलिस का इंटेंशन यही है कि भाई कायदा सुव्यवस्था रखना है, आम आदमी को आराम से ज़िंदगी बसर करने के लिए मिलना चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कम से कम उसमें बढ़ोतरी ना हो लेकिन घटोती हो, ये सब पुलिस का अहम है, इसके लिए पुलिस ये सब करती रहती है। लेकिन फिर भी ऐसे कोई वाक्य होते हैं कि भाई पुलिस से होता है आदमी शायद वो आदमी को पुलिस स्टेशन में जाता है, कभी कभी पुलिस से कोऑपरेट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसे वाक्यात में पुलिस का भी फर्ज बनता है कि आम आदमी को तकलीफ ना हो उसको समझा बुझा के ये हो गए, क्योंकि कभी कभी सभी आदमी क्रिमिनल है या सभी आदमी को एक सरीका नहीं देखना चाहिए, उसके भी क्या प्रॉब्लम्स है क्यों आया है ये किस लिए उसका क्या ये सब इनोसेंसी भी उसकी देखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को तो सब कुछ मालूम रहता है क्योंकि उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो रखने की कोशिश करती है। और आज की तारीख में देखा जाएगा तो पुलिस एक्टिवेट हो गई है,
मतलब 100% पब्लिक का अगर ये किया जाए तो 80% लोग अभी मोबाइल में बिजी है और 20% लोग सीसीटीवी के अंदर है। तो ये जो दोनों सब पुलिस को ही फायदेशील है, क्योंकि पुलिस अगर आसान तरीके से अभी मोबाइल के ऊपर जो ये होने के वजह से पुलिस अभी आसान तरीके से ढूंढ पाती है कोई भी आदमी कहीं भी। अभी सीसीटीवी के अंदर कैच हुआ आदमी तो इमीडिएट कहीं भी फाइंड आउट हो जाता है। ये जो अभी उनका ढूंढने का जो भी उनको सर्च और रिसर्च का भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो उनको मिली है ये भी उनको फायदे में है और आम आदमी को भी इससे थोड़ा गुने में कटौती आए, इसीलिए ये सब फॉर्मेलिटीज हो गई है जो अभी कानून मतलब ये जो इंटरनेट के माध्यम से या ये वो सब अभी इतना वास्ट हो गया, पब्लिक सब बिजी है फ़ोन में इसमें उसमें, तो फिर वो फ़ोन के माध्यम से फौरन पता चलता है कि भाई आदमी कहाँ कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है। तो इस हिसाब से वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी पुलिस को फ़ायदे में हो गई है। उन्होंने भी अपना एक साइबर काफे खोला है जहाँ पर मतलब बांद्रा में बीकेसी में, जो वहाँ से वो सब उनको पूरा ये करते कवर करते हैं वो लोग, तो वो भी है। अभी सीसीटीवी में सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी गवर्नमेंट लगा रही है ताकि वो सीसीटीवी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, गुनाह हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो फौरन पता चले, जिससे पुलिस को अभी आम आदमी अगर गाड़ी चलाता है सिग्नल क्रॉस किया ये किया वो किया तो उसको फौरन मतलब वो उसको मालूम भी नहीं था मैंने सिग्नल क्रॉस किया, ध्यान भी नहीं रहेगा, लेकिन पुलिस को पता चल जाता है कि भाई इसने ये होता, उसको घर पर वो लोग भेजते पावती कि भाई ये इतना तुमको फाइन है, तुमने इधर यहाँ ये फलाने रोड पे तुमने सिग्नल क्रॉस किया, तुमने ये किया, जंप किया, लेन काटी, नो पार्किंग में घुसा, ये सब अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो अवेयरनेस हर एक आदमी को इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और जितना भी अवेयरनेस हो उतना ही आम आदमी की ज़िंदगी सुखर हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। ये सब अच्छा है कि सबको अवेयरनेस हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो उससे आम आदमी की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून हो जाए और गुनहगारी का प्रमाण कम हो जाएगा, यही सब है। और मैं अभी इतना आपसे बात किया, जो भी आपकी क्वेश्चंस है मेरे को जो भी मैं बता सकता हूँ आपसे मैं बताऊँगा। मेरा क्वेश्चन इस तरह से था कि जैसे आपने टेबल जामीन की बात की कि टेबल जामीन जो पुलिस स्टेशन में को अथॉरिटी है कि वो जामीन कर सकते हैं, वो केसेस का आम जनता को कैसा पता चलेगा कि कौन से केस में कर सकते हैं कौन से केस में नहीं जामीन कर सकता पुलिस स्टेशन, क्योंकि जनरली फ्रेम किया जाता है उस पीरियड में पुलिस स्टेशन की तरफ से सपोर्ट नहीं होता है। अच्छा, तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा है कि इतने साल की सज़ा के अंदर ही टेबल जामीन कर सकते हैं ये इसका डिटेल्स थोड़ा सा। थैंक यू, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा। इसमें क्या है कि लॉ में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन से कानून के तहत भाई शिक्षा टेबल जामीन पुलिस दे सकती है। अभी पुलिस को टेबल जामीन, लेकिन उसका कन्विक्शन रेट जो दो साल के अंदर है उसमें पुलिस वहाँ पर 2 साल का कन्विक्शन है समझो, तो 2 साल के कन्विक्शन के तहत जो भी गुनाह हो गया है तो उसके पुलिस वाले वहाँ पर टेबल जामीन दे सकते हैं, लेकिन वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं, खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो पुलिस वाले वहाँ पर ये कर सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं। आफ्टर 2 ईयर्स में वो लोग अगर लगा 2 साल के अंदर गुना है और इसको अरेस्ट किया है तो पुलिस वाले वहाँ पर उसको टेबल जामन दे के वो फिर भी उनका एंटीसीडेंट देखते हैं कि इसकी गुनहगारी प्रवृत्ति है या गुनहगार है, बार बार ये सब कर रहा है तो फिर वो टेबल जामीन देते नहीं, क्योंकि बोलते जाओ तुम कोर्ट में से जमानत लेके आओ, ये भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वो फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 2 साल के तहत अगर शिक्षा है तो दे सकते। सर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है और अक्सर लोग बहुत परेशान हैं इसके ताल्लुक से कि पुलिस में जब भी कोई आम आदमी जाता है या फर्स्ट टाइम जाता है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपका स्टेटमेंट लेना है, तो स्टेटमेंट वर्ड से लोगों को एक दहशत है, अरे मेरा स्टेटमेंट लेना है, मेरा स्टेटमेंट लेने वाले हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उस स्टेटमेंट के बाद में वो जो है उम्र कैद सज़ा काटने वाले हैं, और स्टेटमेंट के बारे में आप थोड़ा बताएं, और वो स्टेटमेंट अक्सर चूँकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में ली जाती है, तो वो क्या मराठी में देना ज़रूरी है कि वो अपने भाषा में भी दे सकते हैं? एक तो अभी स्टेटमेंट पुलिस कुछ गुनाह हो गया तो जो साक्षीदार है उनका स्टेटमेंट लेती है, बयान लेती है, बयान बोलते हैं उसमें, तो अभी वो 161 के तहत पुलिस अपने पास मतलब पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज करती है, और 164
एक ऐसी प्रक्रिया है कि वहाँ पर बयान लेना है तो मैजिस्ट्रेट के सामने जाके उसको लेके जाती है पुलिस, और वहाँ पर मैजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दर्ज होता है। ये दोनों मामले ऐसे है कि 161 में जो बयान दर्ज किया जाता है वो पुलिस के सामने होता है, तो पुलिस उसमें इंक्वायरी करती है, भाई क्या हुआ, तूने क्या देखा, क्या नहीं देखा, क्या है, सब मेरे को बताओ। तो वो लोग अपने ऐसे से मर, अभी ये क्या हो गया, महाराष्ट्र होने की वजह से यहाँ पर मराठी लैंग्वेज ज़्यादा चलती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मराठी में ही देना है जवाब, अगर वो अपनी खुद की लैंग्वेज में भी देना है तो दे सकता है, ऐसे कोई बाइंड नहीं है कि भाई मराठी में देना है। लेकिन कानूनन व्यवस्था जो चल रही है और पुलिस का जो खुद का रिकॉर्ड है तो वो जो है वो मराठी में है, मतलब पुलिस जो पेपर्स वर्क करती है या बनाती है इसके लिए वो फिर मराठी में होने के वजह से वो लोग मराठी में दर्ज करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, फिर मराठी अगर रिकॉर्ड कर लिया 161 का स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में, तो नीचे वो एक इंडोर्समेंट मारती है कि ये मराठी में हम लोगों ने दर्ज किया और इसको समझाया बुझाया जो भी है उसको हमने एक्सप्लेन किया और दस्तखत मार देती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस वालों ने तो ये लिखा है मतलब उसको समझाया होगा, ऐसा अपन अभी गृहित धर्म मतलब मानना चाहिए कि उन्होंने समझाया होगा और ये सब वो होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है इब्राहिम भाई कि भाई उसमें मराठी में ही देना है, अगर वो अपनी लैंग्वेज में भी दे सकता है जब ये, लेकिन वो जो का पेपर्स वर्क होते हैं पुलिस के उसमें सब मराठी पेपर होने के वजह से, और कोर्ट में वो पेपर्स सबमिट करने का है तो कोर्ट के भी ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे मैंने एक दो मैटर में देखा कि उर्दू लैंग्वेज में जवाब दिए हुए थे बड़े बड़े मैटर में, तो अभी वो सब फिर अभी वो फिर उसको ट्रांसलेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैजिस्ट्रेट उर्दू लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि उसको क्या मालूम क्या लिखा है क्या नहीं, तो फिर वो प्रॉपर ट्रांसलेटर चाहिए गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब किया हुआ, और वो ट्रांसलेट प्रॉपर वर्ड टू वर्ड करना चाहिए, क्योंकि कानूनन व्यवस्था है, केस चलने वाली है, तो उसमें अगर एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो सब केस के प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसके लिए वो मराठी में ज़्यादा लेते। दूसरा एक बात है कि 164 का स्टेटमेंट, जो 164 का स्टेटमेंट है वो बकाया उसको पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं, और मैजिस्ट्रेट उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको उसको पूछता है, भाई नाम पूछता है, भाई तू क्या है तेरा, तू क्यों यहाँ है, तुझे मालूम है क्या, तू क्या दे रहा है स्टेटमेंट, क्यों दे रहा है, किसके खिलाफ दे रहा है, तुझे मालूम है क्या ये स्टेटमेंट तू दे रहा है इसके वजह से तू भी प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि पुलिस आरोपी का भी 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, क्योंकि कोर्ट में उनको मजबूती आए मैटर को, इसके लिए वो लोग 164 का आरोपी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, विटनेस का तो करती ही है लेकिन कभी कभी पुलिस वाले आरोपी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। अभी पुलिस वाले आरोपी का स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करती है तो आरोपी तो बोलता नहीं मेरे को चलो चल तुम बोले मेरे को पश्चाताप हो गया है, मैं परेशान हो गया ये मैटर में, मैं झूठा फंस गया हूँ ये वो ऐसा बोल के बोलता नहीं मैं देने के लिए स्टेटमेंट तैयार हूँ, तो उसको लेके जाते हैं मैजिस्ट्रेट के पास। अभी मैजिस्ट्रेट उसको मैजिस्ट्रेट और वो आदमी इसके सिवा तीसरा आदमी कोई नहीं रहता, बाकी खाली स्टेनो वनो अगर वो लोग डिक्टेट कर लिखनाटे करते हैं तो वो लोग रहते हैं। वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं कि मराठी में स्टेटमेंट देना चाहिए, वो भी अपनी लैंग्वेज में दे सकता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादातर मराठी में लेते या इंग्लिश में, इंग्लिश भी फॉर्म में मैंने देखा है स्टेटमेंट लिए हुए, इंग्लिश या मराठी दो फॉर्म में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं जो यूज़ फिर। लेकिन वो 164 का स्टेटमेंट जो ऐसा रहता है जो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया हुआ सील करके पैक करके मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कोर्ट में भेजता है जहाँ पर वो मैटर चलने वाला है, लेकिन ये 161 का जो स्टेटमेंट है पुलिस वाले रिकॉर्ड करके उनके कागज के साथ जोड़ के वो लोग कोर्ट में वो दर्ज करते हैं। ये दोनों डिफरेंस है, और ज़्यादातर 164 के ऊपर वो आगे जो मैटर चलता है कोर्ट में वो बिलीव ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो जज के सामने रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट है इसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा बिलीवनेस रहता है। पुलिस वालों का स्टेटमेंट तो ऑलवेज कानूननी सीआरपीसी में ही डिस्क्राइब किया है, पुलिस ने जो रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट है वो कुछ मायना नहीं रखता है, ठीक है भले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है भले मैंने उस टाइम बोला, तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो स्टेटमेंट कोर्ट में फर्म रहेगा, फर्म नहीं रहता। 164 का स्टेटमेंट फर्म रहता है, 161 के तहत पुलिस ने रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट फर्म नहीं रहता, जो लॉयर्स रहते हैं अपोजिशन के वो उसको झूठा ही ठहराते हैं ज़्यादातर, ऐसा ये दोनों स्टेटमेंट के अलगनेस है जो मेरे तरफ में जो जानकारी थी मैंने आपको बताया। ये जब कोई मसला होता है अगर मारामारी हुआ या कुछ हुआ तब जब कोर्ट इसमें मैटर जाता है पुलिस स्टेशन में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तब जब पुलिस थोड़ा वायलेंटली बिहेव करती है अक्यूज के साथ वो तो बाय लॉस तो गवर्न नहीं है तब उसको
थोड़ा मारती है या कुछ अब्यूज करती है, सो ऐसा कुछ लॉज है क्या कि पुलिस को प्रॉपरली ये बिहेवियर है जो अक्यूज्ड है या उसकी फैमिली उसके साथ बिहेव करना चाहिए, और अगर वायलेंटली बिहेव किया तो क्या चार्जेस लगा सकते हैं पुलिस पे, या हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं? पुलिस के पास जब कोई भी आदमी जाता है तो पुलिस का ये तो मतलब नहीं कि उसको मारपीट किया जाए और धमका भिमका जाए, ये तो पुलिस को कोई अधिकार किसी भी कानून ने दिया हुआ नहीं है। किसी भी कानून के तहत ऐसा कोई ही अधिकार पुलिस को दिया हुआ नहीं है कि भाई आया आदमी उसको इंक्वायरी के लिए मारपीट किया जाए, उससे ये कर दे, ये मारपीट तो करना गलत है। पुलिस खाली पूछताछ कर सकती है और बता सकती है, यही कानून ने उनको अधिकार दिया हुआ है। अभी पुलिस ने अगर वायलेशन किया, कोई भी आदमी आया उसको मारपीट की या उसको तकलीफ देने की कोशिश की या उसके कंप्लेंट्स लिए नहीं है, तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, उनके ऊपर उनके भी रैंक्स है। अभी अपन ने पहले ही उसका डिस्क्राइब किया, उनके ACPs हैं, DCPs हैं, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करते हैं, होम डिपार्टमेंट तक कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लेकिन आज अभी एक नया एक ऐसा कानून व्यवस्था निकला है जो अपने को, अगर यहाँ पर कितने जन को मालूम है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी पुलिस के जो पुलिस से कुछ पंगा हुआ गया है, प्रॉब्लम हो गया, तो पुलिस के कंप्लेंट के लिए अभी एक शुरू हो गया है नरीमन पॉइंट में, पुलिस प्राधिकरण मराठी में उसको प्राधिकरण बोलते हैं, तो वो पुलिस प्राधिकरण है जहाँ पर आप जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मैं पुलिस के पास गया था और पुलिस ने मुझे इंटरटेन किया नहीं और मुझे मारपीट की और मुझे ही जबरदस्ती का इसमें केस में डाल दिया। ये सब अभी ये हो नहीं सकता क्योंकि अभी जैसे जैसे कानूनन व्यवस्था जैसे प्रोग्रेस हो रही है उतने नागरिक को भी हक दिया गया है कि ऐसा तो पुलिस ने करना नहीं चाहिए और कर नहीं सकती, लेकिन अगर किया गलती से भी ऐसे किसी के साथ हो गया तो उसकी कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो प्राधिकरण नरीमन पॉइंट में, वो कुपरेज टेलीफोन एक्सचेंज में 4th-5th माले पे वो है, जहाँ पर आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। क्योंकि पुलिस इंटरटेन नहीं कर रही है तो क्या किया जाए, अभी जाना है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, लेकिन पुलिस इंटरटेन नहीं कर रही, तो ये है पुलिस के खिलाफ जाना है। लेकिन अपनी कंप्लेंट है जो अपना डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी है कि उसके लिए कहाँ जाए, अगर पुलिस के पास जा रहा है तो वो लोग तो खड़े नहीं कर रहे, हकेल रहे हैं, चल जा, नहीं तेरा कुछ नहीं, लोग हम लोग करेंगे, चल जा इधर नहीं आने का, और तुम कोई मारपीट कर रहे तो आप पुलिस के पास तो वापस नहीं जाओगे। तो इसके लिए फौजदारी कायदे मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 156(3) के तहत, 156(3) के तहत आप मैजिस्ट्रेट के पास सीधा चले जाओ, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको डिस्क्राइब करो, आप प्ले बनाओ कि मैं ऐसा ऐसा है, मैं पुलिस के पास तो गया था लेकिन पुलिस वालों ने मुझे हकल दिया, बोलते चल जा इधर नहीं आने का, तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए। तो वो 156 के तहत आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो आपके एरिया के मैजिस्ट्रेट के पास, और मैजिस्ट्रेट उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बकाया आदेश दे सकता है कि आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो, ये क्या है, आपके पास ये लोग आए थे, आपने कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं किया, और जो भी उनका कहना है वो देख के उसका इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट हमको प्रोड्यूस करो। ये दोनों बाजू आम आदमी के लिए कानून की व्यवस्था है जो मजबूत है, लेकिन हमको आम आदमी को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन ये दोनों बाजू है। सर पुलिस स्टेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसमें एक क्राइम ब्रांच भी है, तो ये नॉर्मल जो पुलिस PI रहता है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, और जो क्राइम ब्रांच होता है और उस पर भी, और एक अभी नया एक एंटी टेररिज्म सेल भी आया है, तो इनकी जो पावर्स है वो नॉर्मल पुलिस से ज़्यादा है कि वही है, और ये डिपार्टमेंट्स स्पेसिफिकली क्यों बनाए गए हैं अलग से? अभी जो क्राइम्स हो रहे हैं, अभी क्राइम का डिस्क्रिप्शन होने लगा है, पहले तो आम सब पुलिस ही देखती थी, जो भी हो गया चलो पुलिस के पास भागो, मारामारी हो गई पुलिस के पास, पैसे का कुछ गड़बड़ हो गया, किसी ने फंसाया, कुछ कंपनी डाली उसमें कुछ फंस गया, जाओ पुलिस, कुछ भाई किधर इंसिडेंट हो गया जात धर्म के ऊपर कुछ बेगा, चलो भागो उधर, तो पुलिस के पास सब ये जाते थे। लेकिन अभी पुलिस ने अपने ऊपर का बर्डन कम करने के लिए ये सब अलग अलग से पुलिस की तरीका कर, जो इकोनॉमिक ऑफेंस है तो EOW के पास भेजा है, जो एक अलग व्यवस्था है, जो खाली पैसे का ऑफेंस है, भाई किसी को चिट किया है, कंपनी निकाल के चिट किया है या किसी का पैसा लेके किसी ने फंसा डाला, तो ये सब करने देखने के लिए इकोनॉमिक सेल जो प्रिस्क्राइब किया है। अभी जो मौका के तहत
एक्सटोर्शन है, बड़े बड़े बिल्डर्स काम करते हैं, उनको कुछ तकलीफ होती है, उनको गैंगस्टर उनको धमकी देते हैं, पैसा मांगते हैं, ये करते वो करते, तो वो जो है तो उसके लिए ऊपर कैसे है? उसमें जानकारी के लिए आम पुलिस तो परेशान रहती है कायदा सुव्यवस्था से, ये वो सब छोटे मोटे मामले उनको हमेशा दिन भर में आते रहते हैं। तो ये सब मौका के तहत उन्होंने एक DCBCID को उसको अलग से उनको यूनिट बना के इसको ये सब दिया हुआ है कि भाई आप इसकी जानकारी ले लो, क्योंकि एक्सटॉर्शन के मामले मौका के केसेस है तो टाड़ा के केसेस है वो अलग से। अभी एक एंटी टेररिज्म सिस्टम आया है जो आपने देखा है कि अभी ये कुछ ब्लास्ट वगैरह सब बम्बई में इधर उधर महाराष्ट्र में सब ब्लास्ट हो गए, तो पुलिस ने वो एक एंटी टेरर सिस्टम एक अलग से हटके एक बनाया है जो उसको ग्रैंड गवर्नमेंट का है लेकिन ज्यूरिडिक्शन महाराष्ट्र का है, उसमें कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं कि बांद्रा ज्यूरिडिक्शन है, ये ज्यूरिडिक्शन है, वो ज्यूरिडिक्शन है, ऐसा कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं, उसको ऑल ओवर टोटल महाराष्ट्र का ज्यूरिडिक्शन है जिसमें एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। जो अभी उसमें कैसे आम पुलिस तो बॉम्ब ब्लास्ट के मतलब बॉम्ब के केसेस है ये है वो हता, क्योंकि उसको ट्रेनिंग नहीं रहता, उसको जानकारी इतनी नहीं, तो उनको भी पर्टिकुलर जानकारी दी हुई है कि भाई बॉम्ब डिस्पोज करना है या उसके क्या उनके करने हैं, उनके अपने खुद के भी जो ऐसे सिस्टम्स है कि भाई उसके खबरी देने वाले ये वो सब उसमें ये किए हुए हैं। तो इसके लिए वो एंटी टेररिस्ट सिस्टम जो अलग हटके बनाया हुआ है और वो सब वो बॉम्ब ब्लास्ट ये वो ऐसे बड़े बड़े जो केसेस होते हैं महाराष्ट्र में वो सब वो लोग वही लोग हैंडल करते हैं, आम पुलिस वो FIR लेती नहीं है, वो अगर FIR भी आया तो उनके पास ये वो फॉरवर्ड करती है कि आप इसकी जानकारी ले लो और इसमें आप, क्योंकि इनका कैसा एक चैन रहता है ना, एक बार अगर किधर घटना घड़ी और तो सिमिलर ऑफेंस है या सिमिलर कुछ घटना घड़ी तो उनको फौरन पता चलता है कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है, गुनहगार की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये पुलिस को बराबर मालूम रहती है, जानकारी रहती है, वो बराबर उसके ऊपर वो लोग अरेस्ट करते हैं। तो इस हिसाब से वो लोगों ने एक सिस्टम बनाया है एंटी टेररिस्ट सिस्टम, वो DCBCID का यूनिट है और उसमें जो अपना आम पुलिस का अलग है, लेकिन उनका जो DCBCID और ये एंटी टेररिस्ट वगैरह स्क्वाड है इसमें सब बड़े SCP लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व रहते हैं, वो आम आदमी PI PSI वगैरह ऐसा वो इंक्वायरी करता नहीं और उसको कोई पावर्स नहीं है, और उनके जो पावर्स है वो सब होम डिपार्टमेंट डिस्क्राइब करता है और बकाया वो लॉ है और वो लॉ डिस्क्राइब करके आता है और वो सब उसके रिक्रूटमेंट और उसके जो जजेस है जो वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मैटर चलाने वाले या DCBCID के मैटर चलाने वाले भी पर्टिकुलर जजेज है जिनको मौका टाड़ा इंटरटेन करने के लिए अलाउ किया हुआ। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हम लोग को पुलिस से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है और अवेयरनेस के रिलेटेड भी बहुत ही यूज़फुल पॉइंट्स। आपने एक लेडीज़ से रिलेटेड पॉइंट ये बताया कि लेडीज़ को अरेस्ट करने के लिए लेडीज़ पुलिस ही आना चाहिए और रात के टाइम पर उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है कि किसी के घर पर जेंट्स पुलिस आई तो उस टाइम पे वो लेडी, अब सपोज़ इनकेस वो लेडी अकेली है तो वो उस वक्त ऑन द स्पॉट वो क्या ना स्टेप ले सकती है, क्या मेजर्स उठा सकती है अपने प्रोटेक्शन के लिए? एक ये बात है कि अगर इनकेस लेडीज़ पुलिस नहीं आई और वो उसको वो बोल रहे हैं नहीं भाई चलो तुम पुलिस स्टेशन चलो हमको इंक्वायरी करनी है, तो वो लोग डिफेंस ले सकती है, कानूनन उसको अधिकार है कि वो नहीं जा सकती, वो रिफ्यूज़ कर सकती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं सुबह में आऊँगी, मुझे रात में अभी आना नहीं है और आप लेडीज़ पुलिस लेके आइए, लेडीज़ पुलिस आएगी तो ही मैं साथ में आऊँगी, वो उसका डिफेंस है और उसको राइट्स भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स पुलिस आए तो जाना ही है ज़रूरी और पकड़ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना डिफेंस ले सकती है, वो उन्होंने DK Basu के जजमेंट में लैंडमार्क जजमेंट में उसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि लेडीज़ पुलिस ही आनी चाहिए अरेस्ट करने के लिए या लेडीज़ पुलिस ही लेके जानी चाहिए, कोई भी महिला आरोपी है मतलब जाप जवाब लेना है तो भी महिला ही महिला के इंटरटेन करना चाहिए, अभी वो कानूनन ही प्रिस्क्राइब किया है तो ये आपका मूलभूत अधिकार ही है कि आप वो बोल सकते हैं कि मैं नहीं जाने वाली है, मुझे लेडीज पुलिस आप भेजो तो मैं जाऊंगी, और रात के टाइम तो जाना ही नहीं है क्योंकि वो तो प्रिस्क्राइब किया हुआ रूल है कि जाना नहीं है, क्योंकि वो टाइम में वो टाइम टू टाइम मतलब 6 से कुछ सुबह 6 बजे तक आप जा अरेस्ट करना नहीं है उसको या लेके नहीं इंक्वायरी के लिए भी नहीं लेके जाना, तो ये आपके अधिकार ही है, आप रिफ्यूज कर सकते हो। सर हम लोग क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं तो हमने देखा है कि एक M ब्रांच भी पुलिस स्टेशन में रहता है या CID ब्रांच में एक M ब्रांच है मुस्लिम ब्रांच करके, इसकी कोई हकीकत है? अगर है तो इसका पर्पस ऑफ
दिस ब्रांच क्या रहता है इसके बारे में कुछ? ये पुलिस में ही एम ब्रांच है, ये मुझे कुछ मालूम तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर जो भी अभी इंसिडेंट हो गए भाई, मुस्लिम लोगों के इंसिडेंट है या रिलेटेड एटीएस से है या रिलेटेड डीसीबीसीआईडी से है, तो उनका भाई इंटरडेंट करने के लिए ज़्यादातर मुस्लिम जज या मुस्लिम मैजिस्ट्रेट वो मैटर चलाए, ऐसा धोरण गवर्नमेंट का है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अल्पसंख्यक है तो उसको वही मैटर चलाए या उसको कानून संरक्षण दे, ऐसा ये मतलब कानून प्रिस्क्राइब किया नहीं है, लेकिन उसको जनरली करते हैं। क्योंकि मैंने देखा था कि हमारे पास औरंगाबाद का एक आर्म साल केस चल रहा था, तो वहाँ पर ही हमारे कादरी साहब चला रहे थे मैटर, हो तो वो मैटर के तहत उनको रिक्रूटमेंट किया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप मैटर चलाओ। बोले ऐसा कुछ कानून नहीं है प्रिस्क्राइब किया कि यही इंटरप्रिटेन करना चाहिए या, लेकिन जो आप एम ब्रांच बोल रहे हो मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। तो आप मुझे यहाँ बुलाए इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद।